हेलो स्टूडेंट्स, विजय हेयर फ्रॉम जगराओं। अज के लैक्चर विच असी पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों प्रिस्क्राइब की 8वीं जमात के इंग्लिश रीडर का पहला लैसन, जिसका नाम है अब्दुल हमीद, उसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज करांगे, जो कि एग्जामीनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नाल बहुत ही इंपोर्टेंट हैं। जेकर तुसी इस लैसन नू अजे तक नहीं पढ़िया है तां आई बटन ते क्लिक करके इस लैसन बारे विस्तार नाल जानकारी लै सकते हो। इसका लिंक तुहानू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। तो आओ शुरू करिए। सबसक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बैल आइकन टू गैट द लेटेस्ट अपडेट्स। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉज अब्दुल हमीद? अब्दुल हमीद कौन सी? आंसर, ही वॉज अ ब्रेव सोल्जियर, ही वॉज कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन इंडियन आर्मी। वो एक बहादुर सिपाही सी, वो भारतीय थल सेना विच कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार सी। क्वेश्चन नंबर 2, विच सेक्टर ही वॉज फाइटिंग इन? ओ केड़े सेक्टर विच लड़ रहा सी? आंसर, ही वॉज फाइटिंग इन द खेम करन सेक्टर। ओ खेम करन सेक्टर विच लड़ रहा सी। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर इज द विलेज नेम्ड चीमा सिचुएटेड? चीमा नाँ का पिंड कित्थे स्थित है? आंसर, विलेज चीमा इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर। चीमा पिंड सरहद ते स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट सॉर्ट ऑफ टैंक्स डिड पाकिस्तान हैव? पाकिस्तान कोल किस किस्म दे टैंक सन? आंसर, पाकिस्तान हैड द पैटर्न टैंक्स, दे वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। पाकिस्तान कोल पैटर्न टैंक सन, वो बहुत शक्तिशाली अते खतरनाक सन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेड द इंडियन सोल्जर्स हैप्पी? भारतीय फौजियों नूं क्यों खुशी हुई? आंसर, अब्दुल हामिद सेंट अ पाकिस्तानी टैंक इन फ्लेम्स विद हिज शॉट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेड द इंडियन सोल्जर्स हैप्पी? भारतीय फौजियों नूं क्यों खुशी हुई? आंसर, अब्दुल हमीद सेंट अ पाकिस्तानी टैंक इन फ्लेम्स विद हिज शॉट, दिस मेड द इंडियन सोल्जर्स हैप्पी। अब्दुल हमीद के निशाने नाल एक पाकिस्तानी टैंक नूं अग लग गई, इसने भारतीय फौजियों नूं खुश कर दिता। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड हामिद डिस्ट्रॉय द एनिमी टैंक्स? हमीद ने दुश्मन के टैंकों को किमें तबाह किया? आंसर, अब्दुल हमीद हैड अ स्पेशल गन, ही डिस्ट्रॉयड द एनिमी टैंक्स विद दैट गन। अब्दुल हमीद दे कोल एक खास बंदूक सी, उसने दुश्मन के टैंकों को उस बंदूक नाल तबाह कर दिता। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड हामिद फाइट द एनिमी एंड व्हाट हैपन टू हिम? हामिद दुश्मन नाल किवें लड़िया अते उस नाल की वापरिया?
आंसर हमीद फॉट ब्रेवली ही डिस्ट्रॉयड 3 टैंक्स ऑफ द एनिमी अ शेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप एंड ही फेल डाउन वाउंडेड हमीद बहादुरी नाल लड़िया उसने दुश्मन दे 3 टैंक तबाह कर दिते दुश्मन का एक गोला उसकी जीप विच लग्या अते वह जख्मी होकर थल्ले डिग पिया क्वेश्चन नंबर 8 हाउ वॉज हमीद ऑनर्ड फॉर हिज ब्रेवरी हमीद नूं उसकी बहादुरी लई किवें सन्मानित किया गया आंसर हमीद वॉज अवॉर्डड द परमवीर चक्र पोस्टमसली फॉर हिज ब्रेवरी हमीद नूं उसकी बहादुरी लई मरण उपरंत परमवीर चक्र नाल सन्मानित किया गया क्वेश्चन नंबर 9 हाउ डू यू फील अबाउट अब्दुल हमीद आफ्टर रीडिंग द स्टोरी ऑफ हिज ब्रेवरी अब्दुल हमीद की बहादुरी की कहानी पढ़ने तो बाद तुसी उस बारे की महसूस करते हो वी फील प्राउड ऑफ हिम हिज नेम विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री असी उसते माण महसूस करते हाँ देश के लोगों द्वारा उसका नाम हमेशा ही याद रखा जाएगा ये सन टेक्सचुअल कॉम्प्रीहेंशन के कुछ प्रश्न इस तो अगे असी वॉज अ ब्रेव सोल्जियर वो एक बहादुर सिपाही सी सी ही वॉज डिस्ट्रॉइंग देयर टैंक वो उन्होंने टैंकों तबाह कर रहा सी तां सही उत्तर है सी ही वॉज डिस्ट्रॉइंग देयर टैंक वो उन्होंने टैंकों तबाह कर रहा सी नंबर 3 हमीद कुड शूट अ बर्ड एट नाइट गाइडेड बाय इट्स साउंड बिकॉज हमीद रात वेले पंछी नूं उसकी केवल आवाज नाल निशाना बना सकता सी क्योंकि ए ही वॉज ए क्रैक शॉट वो एक पक्का निशानची सी बी ही डिड नॉट लाइक बर्ड्स वो पंछियों नूं पसंद नहीं सी करता सी ही लव्ड शूटिंग एट नाइट उसनों रात वेले निशाने लगाना पसंद सी तो सही आंसर है ही वॉज अ क्रैक शॉट वो एक पक्का निशानची सी नंबर 4 द हमीद वॉज वाउंडेड बैडली ही वॉन्टेड हिज सोल्जियर्स डैश भावें हमीद बुरी तरह जख्मी हो चुका सी पर वह अपने सिपाहियों चाहता सी ए
टू फाइट ऑन, कि वह लड़ते रहन। बी टू रीच सीमा, कि वह सीमा पहुँच जान। सी टू रिमेंबर हिज नेम, कि उसका नाम याद रखन। तो सही आंसर है टू फाइट ऑन, कि वह लड़ते रहन। नेक्स्ट देखो, चूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। हरेक वाक नू पूरा करन लई लिस्ट विच्चों वर्ड्स की चोन करो। फर्स्ट नंबर वन, अब्दुल हमीद वॉज अवॉर्डेड। अब्दुल हमीद नू सन्मानित किया गया लिस्ट विच्चों। परमवीर चक्र फॉर हिज ब्रेवरी। अब्दुल हमीद वॉज अवॉर्डेड परमवीर चक्र फॉर हिज ब्रेवरी। अब्दुल हमीद नु उस दी बहादुरी लई परमवीर चक्र नाल सम्मानित किया गया। नंबर टू, वन शैल ऑफ द एनमी हिट। दुश्मन दा एक गोला लग्या। आंसर है अब्दुल हमीद वाइल ही वॉज डिस्ट्रॉइंग द एनमी। सेंटेंस बन गया, वन शेल ऑफ द एनमी हिट अब्दुल हमीद वाइल ही वॉज डिस्ट्रॉइंग द एनमी। जदों वह दुश्मनों तबाह कर रहा सी तां दुश्मन का एक गोला उसनू लग्या। नंबर थ्री, द पाकिस्तानी आर्मी हैड गॉट। पाकिस्तानी थल सेना कोल सी पैटर्न टैंक। सेंटेंस बन गया, द पाकिस्तानी आर्मी हैड गॉट पैटर्न टैंक। पाकिस्तानी थल सेना नू पैटर्न टैंक मिले हुए सन। नंबर फोर, अब्दुल हमीद डाइड फाइटिंग फॉर। अब्दुल हमीद लड़दा होया मरिया। किस लई? हिज कंट्री इन द खेमकरन सेक्टर। सेंटेंस बन गया, अब्दुल हमीद डाइड फाइटिंग फॉर हिज कंट्री इन द खेमकरन सेक्टर। अब्दुल हमीद खेमकरन सेक्टर विच अपने देश लई लड़दा होया शहीद होया। नंबर फाइव, द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान डैश। भारत अते पाकिस्तान दरमियान युद्ध। वॉज फॉट इन 1965। सेंटेंस बन गया, द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज फॉट इन 1965। भारत अते पाकिस्तान दे दरमियान 1965 विच जंग हुई। अगे है, मैच द वर्ड्स इन ए विद देयर ऑपोजिट्स इन बी। पहला साडे कोल ए कॉलम दे विच फॉर, डाई, फॉल, वॉर, डाउन, ब्रेव, बिगेस्ट, फॉरवर्ड, डेंजरस, ये वर्ड्स ने। दूसरे पासे बी सेक्शन दे विच अप, राइज, लिव, सेफ, नियर, पीस, स्मॉलेस्ट, वार्डली, बैकवर्ड, ये वर्ड्स ने। तां इना दे असी ऑपोजिट वर्ड्स नू मैच करना है, तो आओ शुरू करते हैं। पहला है फॉर। फॉर दा मतलब हुंदा है दूर। दूर दा ऑपोजिट वर्ड नज़दीक, जिनू अंग्रेजी दे विच असी बोलते हैं नीयर। तां बी सैक्शन विच्चों असी नीयर वर्ड चूज करांगे जिहड़ा कि फॉर दा ऑपोजिट है। नंबर दो, डाई। डाई का मतलब है मरना, उस तो उल्ट जिंदगी। लिव, जीना। नंबर थ्री, फॉल। फॉल का मतलब हेठां वल डिगना, उस तो उल्ट चढ़ाई विच रहना। To rise,
नंबर चार वॉर, वॉर का मतलब होंदा है युद्ध, युद्ध का उल्टा शांति जिन्हों इंग्लिश विच असी बोलते हैं पीस। अगे है डाउन, डाउन का मतलब होंदा है हेठां, हेठां का उल्टा उपर वालों अप, डाउन का ऑपोजिट वर्ड अप। अगे है ब्रेव, ब्रेव का मतलब होंदा है बहादुर, तो बहादुर का उल्टा अर्थ डरपोक या डर दे नाल, इहदा ब्रेव का उल्टा शब्द की होएगा कोवार्डली। अगे है बिगेस्ट, बिगेस्ट सब तो वड्डा, उसका उल्ट होएगा सब तो छोटा जिसनों इंग्लिश असी बोलते हैं स्मॉलेस्ट, तो बिगेस्ट का ऑपोजिट वर्ड स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होंदा है अगां वधू, फॉरवर्ड का पुट्ठा शब्द जां उल्टा अर्थ उसनों असी बोलते हैं पिछा खिचू, जिसनों इंग्लिश असी इंग्लिश विच असी बोलते हैं बैकवर्ड। एंड इन द लास्ट डेंजरस, डेंजरस का मतलब खतरनाक, डेंजरस का उल्टा अर्थ होएगा सेफ जिन्हों पंजाबी असी बोलते हैं सुरक्षित। ये साड़ी वोकैबलरी की एक्सरसाइज, उम्मीद है तुहानू ये सारा कॉन्टेंट समझ आ गया होएगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।